आजकल आपको हर एक स्मार्टफोन में क्वाड कैमरा देखने को मिलता है, यानी कि फोर कैमरा देखने को मिलता है आपको हर एक स्मार्टफोन में। तो क्या ये चारों कैमरा परफेक्टली वर्क करता है हर एक स्मार्टफोन में, या फेक कैमरा भी आपको स्मार्टफोन में प्रोवाइड किया जाता है? लोचा है बॉस। तो भाई आप अभी कोई भी स्मार्टफोन लेने जाए, या तो बजट सेगमेंट के, या तो मिड रेंज सेगमेंट के, या तो आप थोड़ा हाई लेवल पे जाए, आपको मेनली क्वाड कैमरा देखने को मिल रहा है, तो उसमें जो चार कैमरा होता है, क्या चारों कैमरा आपके यूज के लिए, या तो चारों कैमरा अगर आपके यूज के लिए नहीं भी या तो है भी, तो क्या चारों कैमरा परफेक्टली वर्क करते हैं, या तो उसमें से सिर्फ दो वर्क करता है या तीन वर्क करता है एंड बाकी एक फॉल्स कैमरा रहता है, ऐसा भी हो सकता है? तो पूरा एक्सपोज हो जाएगा आपको इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ किस किस टाइप का कैमरा आपको दिया जाता है स्मार्टफोन में। तो मेनली आपको फोर कैमरा में, पहला देखिए टोटल फाइव टाइप के कैमरा आपको दिए जाते हैं स्मार्टफोन में। तो कौन कौन से जो क्वाड कैमरा सेटअप में कौन कौन से दिया जाता है वो मैं आपको बता दूँ। पहला प्राइमरी कैमरा, जो कि आपको या तो 48 मेगापिक्सल का होता है, या तो 64 मेगापिक्सल का, या तो अभी तो 108 मेगापिक्सल का भी आपको प्राइमरी कैमरा आ जा रहा है। इसके बाद सेकेंड आ गया अल्ट्रा वाइड लेंस। अल्ट्रा वाइड लेंस मेनली आपका 8 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल या तो 12 मेगापिक्सल तक होते हैं, जो आजकल स्मार्टफोन में दिए जा रहे हैं। उसके बाद डेप्थ सेंसर, तो डेप्थ सेंसर अभी आपको 2 या 5 या 8 मेगापिक्सल का दिया जाता है। उसके बाद मैक्रो लेंस भी दिया जाता है, वो भी बहुत ही शायद मैक्रो लेंस ज़्यादातर 2 मेगापिक्सल का ही आपको प्रोवाइड किया जाता है। 5 बहुत ही रेयर केस में होता है, बहुत ही रेयर केस में आपको 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस प्रोवाइड किया जाता है। एंड लास्ट टेलीफोटो लेंस, फिफ्थ नंबर जो है वो टेलीफोटो लेंस। टेलीफोटो लेंस जूम लेंस होता है मेनली, तो जूम लेंस भी आपको प्रोवाइड किया जाता है टेलीफोटो लेंस। तो ये फाइव टाइप का कैमरा होता है, ये फाइव टाइप में से कोई चार कैमरा आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो ये क्वाड कैमरा में क्या चारों परफेक्टली वर्क करते हैं? तो देखिए सबसे पहला मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो प्राइमरी कैमरा वो परफेक्टली वर्क करता है। इसके बाद अल्ट्रा वाइड लेंस, अल्ट्रा वाइड भी लेंस भी परफेक्टली वर्क करता है। अब आ जाता है टेलीफोटो लेंस, जूम लेंस जो हो गया, उसके बाद मैक्रो लेंस एंड डेप्थ सेंसर। तो ये तीनों क्या परफेक्टली वर्क करता है? तो देखिए सबसे पहले टेलीफोटो लेंस को साइड हटाते हैं एंड डेप्थ सेंसर एंड मैक्रो लेंस की बात करते हैं। तो डेप्थ सेंसर एंड मैक्रो लेंस बहुत से डिवाइस में ऐसा होता है कि हाँ सही तरीके से जो डेप्थ सेंसर एंड मैक्रो लेंस हो या सही तरीके से दिया जाता है। एंड बहुत बार बहुत सारे डिवाइस में ऐसा भी किया गया है कि ऐसा भी देखा गया जो डेप्थ सेंसर का काम करता है, जो बोके इफेक्ट का काम करता है, वो आपका प्राइमरी कैमरा या तो अल्ट्रावाइड लेंस से ही हो जाता है। मीन्स जो 8 या 5 मेगापिक्सल या 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड लेंस दिया जाता है, उसी का मदद से डेप्थ सेंसर का काम किया जाता है, बोके इफेक्ट दिया जाता है। एंड जो 2 या 5 मेगापिक्सल का दिया जाता है कि आपको डेप्थ सेंसर प्रोवाइड किया गया, वो फॉल्स कैमरा रहता है। मैं हर डिवाइस की बात नहीं कर रहा हूँ, बट बहुत से डिवाइस में ऐसा देखा गया है। जो भी डिवाइस में ये देखा गया उसमें मेनली जो ओप्पो एंड वीवो के स्मार्टफोन आए, मीन्स ओप्पो एंड वीवो के स्मार्टफोन मेनली, मैं हर एक ओप्पो एंड वीवो के स्मार्टफोन को नहीं कर रहा हूँ, बट बहुत से ऐसे ओप्पो एंड वीवो के स्मार्टफोन में देखा गया कि जो डेप्थ सेंसर है वो फॉल्स डेप्थ सेंसर दिया जाता है। एंड आपका जो प्राइमरी या तो अल्ट्रावाइड लेंस है उसी का मदद से आपको बोके इफेक्ट दिया जाता है। एंड मैक्रो लेंस का भी सेम सीन है, आपको 2 मेगापिक्सल का जो मैक्रो लेंस है वो मेनली जो सॉफ्टवेयर के यूज से आपका बहुत ही आराम से दिया जा सकता है। यानी कि डेप्थ सेंसर एंड अल्ट्रावाइड लेंस कोई काम का नहीं रहता है बहुत से डिवाइस में, हर डिवाइस का बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से डिवाइस में जो अल्ट्रावाइड लेंस का यूज से ही ये दोनों काम किया जाता है। एंड बहुत से डिवाइस में ऐसा भी होता है कि सही में दिया जाता है, ये काम करता है डेप्थ सेंसर एंड मैक्रो लेंस। एंड अब बात करते हैं टेलीफोटो लेंस की, तो टेलीफोटो लेंस का भी सेम सीन है, बहुत से डिवाइस में टेलीफोटो लेंस परफेक्टली वर्क करता है, जो लेंस दिया गया अलग से उसी का मदद से काम करता है ये डिवाइस। एंड बहुत से में ऐसा भी होता है कि जो प्राइमरी कैमरा दिया जाता है, प्राइमरी कैमरा के यूज से ही ऑप्टिकल जूम किया जाता है एंड वो सॉफ्टवेयर के थ्रू उसे जूम किया जाता है, डिजिटल जूम किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया, बहुत से डिवाइस में फॉल्स कैमरा भी दिया जाता है जो डेप्थ सेंसर या मैक्रो लेंस है एंड टेलीफोटो लेंस है। एंड बाकी जो अल्ट्रावाइड लेंस एंड प्राइमरी कैमरा है वो परफेक्टली सही तरीके से दिया जाता है। तो आप कोई भी डिवाइस देख रहे हैं तो एक बार चेक कर लीजिए, जो आपका कैमरा है, जो डेप्थ सेंसर है उस पर आप उंगली डाल के देख लीजिए, क्या ये बोके इफेक्ट फिर भी प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे डेप्थ सेंसर का काम है कि नहीं इस डिवाइस में, क्या ये सच में फॉल्स कैमरा दिया गया या तो असली में दिया गया है, इसका रोल दिया गया इस स्मार्टफोन में। तो आपको समझ में आ जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिए, ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।